और अलग अलग बुक्स में बहुत सारे चीज़ें हैं इस टॉपिक को समझने के लिए, और अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देख के आपका कंफ्यूजन सॉल्व होगा। इन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर इट मींस दैट ए सेट ऑफ रूल्स विच रेगुलेट हाउ नेम्स ऑफ टैक्सा हैव टू पब्लिश टू रिकॉग्नाइज द साइंटिफिक कम्युनिटी। ए टैक्सॉन इज नॉट इफेक्टिव वेदर इट वॉज नॉट पब्लिश इन ए साइंटिफिक जर्नल, यानी कि इफेक्टिव कब होगा, इट टैक्सॉन नेम इज नॉट इफेक्टिव वेदर इट वॉज नॉट पब्लिश इन ए साइंटिफिक जर्नल मीन्स प्रिंटेड मैटर हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए जनरल पब्लिक और बॉटनिकल इंस्टीट्यूशन विद लाइब्रेरीज एसेसिबल टू बॉटनिस्ट जनरली। तो ये इफेक्टिव की बात हो रही है, यानी कि अगर आपके पास मैटर है, आपने उसको टाइप करवा लिया है, यानी कि आपके पास प्रिंटेड मैटर हो, तो वो इफेक्टिव कहलाएगा जो आम जनता तक पहुंच रहा हो। फिर दूसरा कि इफेक्टिव पब्लिकेशन क्या, ए सेट ऑफ रूल्स इन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर दैट रेगुलेट हाउ नेम्स ऑफ टैक्सा हैव टू बी पब्लिश टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी। सिंपल, ए टैक्सॉन नेम इज नॉट इफेक्टिव इफ इट वॉज नॉट पब्लिश इन ए साइंटिफिक जर्नल, यानी कि ऐसे समझो कि आपने कोई रिसर्च किया, बॉटनिकल नेम आपने तैयार किया, आपने न्यूज़पेपर में दे दिया, बड़ी बड़ी मैगजीन में दे दिया, बट आप जो साइंटिफिक कम्युनिटी यानी कि साइंटिफिक जर्नल जो हैं वहाँ पर अगर आपने पब्लिश नहीं किया तो आपका इफेक्टिव कहलाएगा, मीन्स अगर नहीं देते हो तो आपका इफेक्टिव ही नहीं होगा। यानी कि इफेक्टिव करने के लिए जरूरी है कि वो साइंटिफिक कम्युनिटी में जाए। द डेट ऑफ इफेक्टिव पब्लिकेशन इज द डेट ऑन विच द प्रिंटेड मैटर बिकेम अवेलेबल, यानी कि आपने आम जनता के लिए उपलब्ध करा दिया तब ये आपका इफेक्टिव हुआ, और इफेक्टिव पब्लिकेशन को ICBN एक्सेप्ट नहीं करता है। यानी कि अगर आपका नाम इफेक्टिवली पब्लिश हो गया और वैलिडली नहीं किया तो ये रिजेक्ट ही माना जाएगा। अब हम वैलिड पब्लिकेशन की बात मैं कर रहा हूँ। वैलिड पब्लिकेशन ने मीन्स इन द सेंस ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर इट फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ ICBN, यानी कि ICBN की जो रिक्वायरमेंट्स बनी हुई हैं वो फुलफिल करता हो। और रिक्वायरमेंट क्या है ये देखिए, दोज नेम्स वर पब्लिश्ड अर्लियर टू 1 जनवरी 1935 आर कंसिडर्ड एज वैलिड इवन इफ द डिस्क्रिप्शन और डायग्नोसिस वर नॉट इन लैटिन, यानी कि 1 जनवरी 1935 के पहले के जो भी नाम पब्लिश हो गए, जो भी नाम रख दिए गए, भले ही वो लैटिन में नहीं हो, भले ही उनका लैटिन डायग्नोसिस नहीं किया गया हो, भले ही उनको डिस्क्रिप्शन भी नहीं दिया गया हो, वो वैलिड माने गए हैं, वो वैलिड माने गए हैं। अगला रूल क्या है कि गिव ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ रैंक, यानी कि आपका नाम की रैंक क्या है, स्पीसीज है, जीनस है, सब स्पीसीज है, रैंक इज मस्ट। डेजिग्नेटेड ए टाइप एंड इट्स लोकेशन, यानी कि आपका आपने एक टॉपिक पढ़ा है टाइप कंसेप्ट, यानी कि आपका टाइप कौन सा है और इसकी लोकेशन क्या है, यानी कि इसकी डिटेल कहाँ से ली गई है। और तीसरा कि पब्लिश्ड इन ए साइंटिफिक जर्नल, एक साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश हुआ है तो ये वैलिड होगा। फॉलो द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर विच इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रिसेंट कोड, यानी कि जो मोस्ट रिसेंट कोड है उसको भी आपको रूल चेक कर लेना है कि कहीं कोई रूल चेंज तो नहीं हो गया है। वैलिड पब्लिकेशन ऑफ नेम ऑफ न्यू टैक्सॉन इज नेसेसरी टू हैव इट इफेक्टिवली पब्लिश्ड टू हैव ए करेक्ट फॉर्म एंड टू बी एकम्पनीड बाई डिस्क्रिप्शन और डायग्नोसिस और ए रेफरेंस टू प्रीवियसली पब्लिश डिस्क्रिप्शन, यानी कि इस वैलिड की ये भी शर्त रखी गई कि जो नाम इफेक्टिवली पब्लिश हुआ है उसको भी आपको इसमें शामिल करना है। यानी कि जब आप वैलिड पब्लिश कर रहे हैं वैलिडली तो आपके इस जेनेरा इस टैक्सॉन से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपके इस लिटरेचर में शामिल नहीं है। तो अगर आपका वैलिडली पब्लिश नहीं हुआ है तो भी नाम में चेंज हो जाए।